एक अलग सा ही सुकून है ट्रैवलिंग में। इनिशियल स्टेज में ट्रैवलिंग बस एक प्लेस को एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन धीरे धीरे कब यह हमारे इमोशंस के साथ जुड़ जाता है पता ही नहीं चलता। एज आई ऑलवेज से, ट्रैवल मेक्स मी अलाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनाली ट्रिप के बाद लाइफ में ना फुल उथल पुथल मचा हुआ था और पिछले अप्रॉक्सीमेट एक साल से मैंने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया। सो आज से फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं जा रहा हूँ अपने सेकेंड होम, दैट इज गोवा। तो चलिए और गोवा में मचाते हैं। जब मैंने पनीर टिक्का सैंडविच को देखा तो सोचा इसमें अप्रॉक्सीमेट 300 कैलोरीज तो होगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट टिकट में फ्री के सैंडविच को ठुकराना नहीं चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ नागपुर से बैंगलोर और बैंगलोर से जाना है हमें गोवा। तो अभी अप्रॉक्सीमेट 4-5 घंटे का हॉल्ट है, तो VIP लाउंज में चलते और फ्री में खाना खाते, ये तो ज़रूरी चीज़ है। आप सबको पता है मेरे को फ्री की चीज़ें कितनी पसंद है। बैंगलोर का जो VIP लाउंज है बहुत अमेजिंग है, स्पेशली जो फूड्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। VIP लाउंज में तो फ्री का खाना खा के मज़ा ही आ गया है। जिन लोगों को भी नहीं पता, अगर आपके पास प्लैटिनम कार्ड है, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो आपको VIP लाउंज में एक्सेस मिलता है, जिसमें सिर्फ आपको 2 रुपये स्वाइप करना पड़ता है और साथ ही में आपको फुल फ्लेजेड खाना, ड्रिंक्स, साथ ही में चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए, जितना चाहिए उतना आप खा पी सकते हैं। मुझे भी पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैं एक बार पंकज के साथ ट्रैवल कर रहा था, पंकज ने बताया भैया यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री होती है, तो बस आपको 2 रुपये स्वैप करना है अपने प्लैटिनम कार्ड से और आपको सारी चीज़ें फ्री होगी और अच्छा खासा 2-3 घंटे टाइम पास हो जाता है। अगर आपका फ़्लाइट डिले है या फिर जब भी आप पहुंच रहे हो उसके बाद 2-3 घंटे का टाइम है, तो ज़रूर VIP लाउंज में जाइए। और एट गाइस, सो फाइनली हम गोवा पहुंच गए। और जब भी आप गोवा पहुंचेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप गोवा पहुंच गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी है, पता नहीं कल दिन के टाइम पे क्या हाल होगी। और अभी बज रहे हैं 6 और पहुँचते पहुँचते अप्रॉक्सीमेट 7 बज जाएंगे, उसके बाद कहीं चिल करने जाएंगे। मॉर्निंग से निकला हूँ और अब जाके पहुँचा हूँ। मॉर्निंग 12:30 की मेरी फ्लाइट थी नागपुर से वाया बैंगलोर, और उसके बाद अभी पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी तो रिलैक्स करने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, बिकॉज आप लोगों को घुमाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अब जल्दी से रेडी होऊंगा, उसके बाद जल्दी से मेरी कार भी आ जाएगी और कार में जाके कहीं ना कहीं अच्छे से घूमेंगे। और वैसे ऐसी वाली एंट्री बहुत टाइम के बाद किया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दरवाज़ा खोल के अंदर आओ और आप लोगों से मिलो। और जल्दी से आपका रूम भी दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा डिसेंट सा रूम है गाइस। सो ये हमारा ड्राॅइंग रूम है और सीधे जब आप जाएंगे सीधे आपको बालकनी का रास्ता है और नीचे जाएंगे तो आपको स्विमिंग पूल भी दिखेगा। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पर बैठ के चिल उल कर सकते हैं। ये है हमारा बेडरूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मज़ा आएगा यहाँ पर, और पार्टी वार्टी करेंगे बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरी कार आ गई, तो सनी ने मुझे फिर से बहुत अच्छी सी कार दी है। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं और अगर आपको कार चाहिए तो सनी बेस्ट है, क्योंकि वो हमेशा नई नई गाड़ियाँ देता है। आप देख सकते हैं मैंने i20 मांगा था तो मुझे i20 मिल गई है। तो अगर चाहिए तो सनी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब भी गोवा आते हैं सनी से ही कार लीजिए, बहुत बजटेड कार देता है और बहुत अच्छी कंडीशन की कार देता है। तो सनी का भाई आया हुआ है, वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा फेस, तो थैंक्स अ लॉट साहिल, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस कार। ऑलराइट गाइस, सो मैं रेडी हो गया हूँ और अभी जाएंगे हम लोग पर्पल मार्टिनी में। एज आज ज़्यादा कुछ करने को नहीं है और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, तो चलिए और पर्पल मार्टिनी को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। I'm sorry.
गाइस, सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, फिर डेट देम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।